उत्तर प्रदेश किन्न वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और उत्तर प्रदेश किन्न अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी गुरुवार को अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि किन्नरों को सबसे पहले सम्मान भगवान श्रीराम ने दिया था, अब केंद्र और प्रदेश सरकार किन्नरों को सम्मान देते हुए सरकार में शामिल किया है और उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए सरकार सभी योजनाओं का लाभ दे रही है। किन्न अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या धाम में भगवान श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में जाने से पूर्व अपने इंद्रपुरी बैरहाना मोहल्ले में बाजे गाजे और बड़ी संख्या में शिष्यों के साथ घर घर जाकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदाई लेते हुए सभी को भगवान श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान है कि सरकार ने किन्न कल्याण बोर्ड में शामिल करते हुए भगवान श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में सबसे उपेक्षित किन्न है, लेकिन अब सरकार किन्नरों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करते हुए सभी योजनाओं का लाभ दे रही है, जिससे कि किन्नरों की स्थिति में सुधार हो रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी को विदाई देने में श्री महंत संजनानंद गिरी, शोभा, नैना, आशा, सपना, रानी, मनीषा, सुहानी, नगमा, दिव्या, साधना, सृष्टि सहित बड़ी में शिष्य व श्रद्धालु थे। सभी ने महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी को फूल मालाओं से लादकर पुष्प वर्षा की।